इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस तो लगा रहेगा, लेकिन पोजिशनल ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो हमेशा ज़्यादा आता है और अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी रहता है। मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो बिगिनर्स हैं वो स्टॉक्स में ट्रेड करें पोजिशनल, तो फायदा बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज कुछ स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगा, जो आने वाले 2-3 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर बहुत ही अच्छा तेजी देखने के लिए मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रसाद और आपको स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। तो पहला जो स्टॉक है मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है मुथूट। मुथूट फाइनेंस फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर देखा जाए फंडामेंटल्स के बारे में तो 48,000 करोड़ की कंपनी है। नेगेटिव कैश फ्लो लास्ट 10 ईयर का एवरेज है, मतलब ये पैसा नहीं निकाल रहे हैं। इनका अगर डायल्यूशन देखा जाए, कैपिटल डायल्यूशन 2018 में एक बार डायल्यूट हुआ था जो कि नेग्लिजिबल है। 18-19 में थोड़ा प्रॉब्लम आए थे इकोनॉमी क्राइसिस के। सेल्स 2300 करोड़ का सेल्स था जो 10 साल पहले, अभी उनका सेल्स है 10,000 करोड़, मतलब लगभग 4 गुना 5 गुना तक 4 गुना हुआ है। नेट प्रॉफिट से अगर देखा जाए तो 5,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था, अभी 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो लगभग 7 गुना नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है। तो ये कंपनी फंडामेंटली मुझे अच्छा लगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ डेली कैंडल चार्ट में, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। आप अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट होके 200 मूविंग एवरेज के ओर चलने लगा है। अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे 20 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनने का चांसेस है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ 1187 में स्टॉक को खरीदने के लिए। 1382 का आप टारगेट रख सकते हो, 1105 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2:1:2.83 का आपका रेशियो मिल रहा है, मतलब 1 रुपये के लॉस में 2.5 रुपये पैसे बनाने का मौका मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस मेरे तरफ से बाय है, हो सकता है ये आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न्स दे पाए। सेकंड जो स्टॉक है वो है वोल्टस। वोल्टस में भी बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है, लगभग ब्रेकआउट में है स्टॉक। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है और बार बार ये जो नीचे का ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय कहूँगा। जब ये कैंडल क्रॉस करता है तो आप इसमें बाय पोजीशन बना सकते हो जब ये हाई तोड़ेगा। तो स्टॉप लॉस उसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं आप, टारगेट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे। तो 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, तो आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं 1152 का, 1152 का, और आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो लगभग 960 के पास। 40 रुपये का स्टॉप लॉस और 150 रुपये का टारगेट है आपका। ये स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बताऊं तो वोल्टास आप लोगों को सबको पता है बहुत बड़ी कंपनी है। अभी मार्केट कैप उसका थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, मार्केट पी भी 67 है और जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ की कंपनी है। अगर फेयर वैल्यू की बात करूँ तो मैं डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड में इसका वैल्यूएशन निकाल रहा था, तकरीबन 20,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। तो अभी जो शेयर प्राइस में ग्रोथ हुआ है इसके वजह से हम थोड़ा रिजर्व रहने के लिए कहेंगे। टेक्निकली बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट होता है तो, लेकिन फंडामेंटली इसको आप कभी भी इन्वेस्टमेंट में अभी ना लें। अगर ये इसका शेयर प्राइस आधे से कम हो जाए, आपको डिस्काउंट में मिले, तभी जाके आप ले सकते हो। अगर सेल्स के बारे में बताऊं तो 10 साल पहले ये 5,000 करोड़ की सेल्स कर रही थी, अभी 10,000 करोड़ की कंपनी सेल्स कर रही है, मतलब लगभग दोगुना ही हुआ है 10 सालों में, उतना जोरों से जंप नहीं हुआ। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 10 साल पहले 350 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, अभी 500 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो मार्जिन बहुत ही हल्का है। इसका मतलब ये है कि बड़ी कंपनी है लेकिन उतना फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे जो लगा, ये कैपिटल डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, अपना रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं और लोन्स घटा रहे हैं, तो आगे जाके अगर अपॉर्चुनिटी कुछ मिलता है तो इनका बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। प्रीमियम सेक्टर है, आपको लो पी में नहीं मिल सकता है, लेकिन इसको रडार में रखें, जब कभी भी आपको लो पी में मिले, जहाँ पर ट्रेड हो रहा है उसके आधे के प्राइस में मिले, आधे पी में, तो इसको खरीदना, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना ना भूलें। थर्ड जो स्टॉक है भारत फोर्ज,
तो ये ऑटो एंसिलरी से आता है, अच्छी कंपनी है, मुझे बहुत पसंद है। मैं ऑटो ऑटो एंसिलरी में बहुत विश्वास रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है और ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के रिट्रेस होके प्राइस ऊपर गया है। डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से हो सकता है यहाँ पे एक दो दिन वेट करें, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपको सपोर्ट, टारगेट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँ, तो करंट मार्केट प्राइस में आप एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस अभी जो कैंडल है उसके नीचे, डेली कैंडल चार्ट के नीचे आप लगा सकते हो। 790 का बाइंग है, 745 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और टारगेट रिसेंट हाई, एक सेकेंड मैं आपको एक अच्छा सा टारगेट भी दे देता हूँ इसका। आप इसका टारगेट 850 का टारगेट रख सकते हैं। तो अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करा जाए, तो अभी कंपनी स्लो चल रही है, उतना आरओई आरओसी में अच्छा नहीं है, लेकिन 2018 में इन्होंने भी कैपिटल रेज किया था। कंपनी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन के बारे में बात किया जाए तो 36,000 करोड़ में अभी की मार्केट कैप है, लेकिन मेरे हिसाब से 13,000 करोड़ की कंपनी होना चाहिए। तो ऑलरेडी 3 गुना ज़्यादा मार्केट कैप में ट्रेड हो रहा है। तो अगर प्राइस नीचे ट्रेड आए, अगर प्राइस आपको डिस्काउंट में मिले, तब आप खरीद सकते हो। इसका सबसे अच्छा जो पार्ट है, मैं क्यों इसके ऊपर ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये कंपनी 10 साल पहले 250 करोड़ की प्रॉफिट कर रही थी, अभी 1,000 करोड़ की नेट प्रॉफिट तक आ गए हैं। मतलब 10 सालों में 4 गुना प्रॉफिट करने की कैपेबिलिटी रख चुकी है। तो प्रीमियम सेगमेंट है, अच्छे एंसिलरीज बनाते हैं, आने वाले समय में इन्हें भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इसको भी इन्वेस्टमेंट आइडिया में लेना चाहते हैं, तो 13-14 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप में आप ले सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा ओवर वैल्यू हो रहा है। तो इसे ट्रेड के लिए ले सकते हो। 745 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा 790 के बाय करने पर। और इसका जो टारगेट है मैंने अभी आपको बताया, 875 और 982 के टारगेट में आप खरीद सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करूँ, तो आपका यहाँ पे रिस्क है लगभग आपका 45 रुपये, और जो टारगेट अमाउंट है, टारगेट अमाउंट है 190 रुपये का। तो 1:4 का ये अच्छा सा कॉल हो जा रहा है। अगर वीकली चार्ट भी मैं देखूँ, तो वीकली चार्ट में भी आप अगर देख सकते हो, ऑफ ट्रेंड में है प्राइस ऑफ ट्रेंड में है। ऑफ ट्रेंड में यहाँ पे एक रिट्रेस हुआ था, यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, और यहाँ से एक बड़ा सा रिट्रेस हुआ है, यहाँ से एक जंप देगा मार्केट में। तो आराम से यहाँ पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर्स, जो मोमेंटम मतलब एक दिन में 2 दिन के अंदर बढ़ने चाहिए आवर्ली कैंडल चार्ट के हिसाब से, वो स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। आपको अगर हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।